मेरे को जो लगता है 100% जनता कहीं ना कहीं व्यथित है भ्रष्टाचार से। चुन चुन के जो आतंकवादी परंपरा अपने ही लोगों के खिलाफ अपने ही संगठन द्वारा रचित की जा रही है, जिसमें मैं भी एक शामिल हूँ, मैं खुद जानता हूँ कि मुझे एक आतंकवादी जैसा देखा जा रहा है। तो कहते कर देंगे कर देंगे कर देंगे। नगर पालिका लग बनने के बाद वहाँ पर जो जिम्मेदार लोग थे उनको कमीशन चाहिए। दूसरा, मैं स्पष्ट कर दूँ कि मैं कोई सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ रहा, मेरे सम्मान की पद प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रहा, लेकिन पिताजी के सम्मान की लड़ाई में अंतिम दम तक लड़ूंगा। इन कारणों के चलते दीपक जोशी ने छोड़ी भाजपा, जानिए इस खास रिपोर्ट में। दीपक जोशी ने भाजपा पर निकाली भड़ास, बोले भाजपा वालों ने मुझे आतंकवादी की तरह समझा, मुझे पुलिस ने भी फंसाने की साजिश की। कमलनाथ जी के पास पिता की तस्वीर लेकर पैदल जाऊंगा, बुधनी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। देखिए पार्टी में जो माहौल है उसको देख के लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी की रीति परंपरा सब बदल गई। मैं जानता हूँ कि नए को मौका मिलना चाहिए, उनका कहने का ही परफॉर्मेंस तो देखना चाहिए ना। आप उनको परफॉर्मेंस दिखाने के लिए तैयारी में, भोपाल का जो बीजेपी संगठन है मुझे किसी बैठक में नहीं बुलाता, किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाता, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री आके भोपाल देवास से या देवास जिले से आके चले जाते मुझे आमंत्रित नहीं किया जाता। प्रशासन द्वारा ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि हम कोई आतंकवादी देश पाकिस्तान से आ गए हों, हम किसी पर कार्रवाई की कहते तो वो करते नहीं है। इवन मैं तो ये भी कह सकता हूँ दावे से, देवास की पुलिस और इनके थानों ने मुझे तक को फंसाने की कोशिश की है। इसका प्रमाण मैं सब प्रमाण दूंगा, जब आएगा तब मैं कमलनाथ जी के माध्यम से विधानसभा में माननीय नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से उठाने का प्रयत्न करूंगा, नहीं तो कोर्ट में जाऊंगा, जिसके माध्यम से मैं स्पष्ट कर दूंगा कि मुझे फंसाने की पुलिस द्वारा साजिश की गई। ये मैं स्पष्ट आपको बता दूँ, मेरे को जो लगता है 100% जनता कहीं ना कहीं व्यथित है भ्रष्टाचार से। इतना भयंकर भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के साथ चुन चुन के जो आतंकवादी परंपरा अपने ही लोगों के खिलाफ अपने ही संगठन द्वारा रचित की जा रही है, जिसमें मैं भी एक शामिल हूँ, मैं खुद जानता हूँ कि मुझे एक आतंकवादी जैसा देखा जा रहा है। पूरे देवास जिले के परिदृश्य में जिला अध्यक्ष फट से फोन लगाता है कि ये आतंकवादी आ रहा है, इसको रोको, इसके साथ नहीं जाना है। जब कोई दूसरा काम कार्यकर्ता कहता तो उसको शाबाशी दी जाती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, और जब मेरा कोई कार्यकर्ता कहता है तो उसको नोटिस दिया जाता है कि तेरे को किया जाएगा। इसका सीधा साधा उदाहरण हमारा चंदाना मंडल का अध्यक्ष पवन सिंह राज वो है चंदाना, जिसको कि बिना नोटिस दिए, बिना उसके कहे और ऊपर के हुक्मरानों ने बिना पूछे बिना संचय समझे उसको हटा दिया। अरे मुझे तो हुक्मरानों से आपके माध्यम से एक सवाल करना है कि जिसको आपने 6 साल के लिए निकाला, आपने कि आप डिफाल्टर हो, उस डिफाल्टर को आप 1.5 साल बाद गले लगाते हो, माला डालते हो, और उस कार्यकर्ता को जो जनसंघ के ज़माने से बिना जाति धर्म के आधार पर काम करता था उसको आपने दूध में मक्खी जैसा निकाल के फेंक दिया, क्या ये आपका सम्मान है? इसलिए कार्यकर्ताओं का अपमान करने वाली और इस प्रकार की पार्टी का मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मुकाबला कर पाएगी। हम सम्मान के साथ लड़ेंगे और सत्ता में आएंगे। अपने साथियों के साथ, बहुत से वरिष्ठ लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद मेरी पिताजी की एक जो पार्टी में गरिमा थी, उनका वो जो पद प्रतिष्ठा थी, उसको धूमिल करने का लगातार प्रयास किया जा रहा था। जो स्मारक उनका बनना था आज धूल खा रहा, लोग उसको जोशी जी का स्मारक कहने के बजाय जोशी जी का खंडर कहने लगे। लगातार जिम्मेदारों से, संगठन के पदाधिकारियों से बात करने के बाद हाँ कर देंगे, हाँ कर देंगे, हाँ कर देंगे। शिवराज जी अक्सर कहते कमलनाथ जी को जाओ जाओ जाओ, मैं शिवराज जी को कहता हूँ शिवराज जी आप भी तो कहते हो कर देंगे कर देंगे कर देंगे। एक बार उन्होंने बोल भी दिया था, इसके बाद जब परिणाम नहीं आया तो मेरा मन कहीं ना कहीं विचलित हुआ, और कुछ साथियों से चर्चा करने के बाद ये तय हुआ कि कम से कम हमको ये पार्टी छोड़ देना था। लेकिन पार्टी छोड़ने के बाद कुछ लोगों ने मुझे एहसास कराया कि जब माननीय पिताजी की मृत्यु हुई थी तब माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, सज्जन सिंह जी वर्मा, आरिफ अकील जी, पीसी शर्मा जी, ये सब उस वक्त मेरे घर पधारे थे, और माननीय कमलनाथ जी ने कहा था कि कहाँ अंत्येष्टि करना चाहते हैं तो वहाँ हम व्यवस्था करेंगे सरकार की तरफ से। तो हमने कहा हटपिया में ही होगी, तो उन्होंने कहा हटपिया में कहाँ होगी, तो हमने कहा हटपिया में उनके पास ऐसी कोई जगह नहीं है तो संस्थान में ही करेंगे। बोले नहीं, जोशी जी की संस्थान में नहीं होना चाहिए, वो हमारे प्रदेश की गरिमा है, गौरव है, उसको हमको ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ एक स्मारक बन जाए, लोगों को यादगार रहे, इस नाते से आप मुझे स्थान बताइए, मैं आपको ज़मीन दूँ। तो हमने 4-5 घंटे में ज़मीन सर्च करी, ज़मीन उनको बताई कि ये ज़मीन सरकारी है हाटपिपड़िया में। उन्होंने तत्काल वही बहुत कीमती ज़मीन लगभग 80,000 स्क्वायर फीट की आवंटित की, और वहाँ पर उन्होंने घोषणा की थी कि स्मारक भी मैं बनाऊँगा। सरकार परिवर्तित हुई, सरकार परिवर्तन के साथ शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के बाद
उनके स्मारक का भूमि पूजन हुआ, मूर्ति का अनावरण हुआ, लेकिन उसके बाद माननीय चिराग जी शायद इस चीज़ को भूल गए। नगर पालिका लग बनने के बाद वहाँ पर जो जिम्मेदार लोग थे उनको कमीशन चाहिए। ठेकेदार ने कहा मैं कमीशन दे नहीं सकता, इसलिए मैं काम बंद करूँ। हमने लगातार कोशिश की कि बिना कमीशन काम हो जाए। जिलाध्यक्ष भाजपा को कम से कम 10 बार मैंने अवगत कराया, घर ले जाके अवगत कराया, लेकिन किसी प्रकार का वो नहीं हुआ। तब मेरा मानस बना कि जिस व्यक्ति ने माननीय जोशी जी का सम्मान किया उस व्यक्ति के साथ मुझे मदद उनका उस सम्मान का कुछ न कुछ मुझे देना चाहिए। इस नाते से मैं उनसे अनुरोध किया था कि मुझे आप अपने साथ जोड़े, ताकि मैं जो शेष समय है वो आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। जो संगठन मुझे जिम्मेदारी देगा उसे मैं पूरा करूँगा। दूसरा, मैं स्पष्ट कर दूँ कि मैं कोई सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ रहा, मेरे सम्मान की पद प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रहा, लेकिन पिताजी के सम्मान की लड़ाई मैं अंतिम दम तक लड़ूंगा। मैं माननीय कमलनाथ जी से भी चाहूँगा कि जो अधूरा स्मारक है उसको वो, क्योंकि सरकार मेरे ख्याल से 100% कमलनाथ जी की आ रही है, उनके नेतृत्व में हम उस स्मारक को पूरा करें। और पूरा करने के बाद जो पापा जी जो पिताजी के अधूरे काम हैं मांगली और संपूर्ण देवास जिले में उसको पूरा। साथी लोग थे जिनके माध्यम से मैंने माननीय कमलनाथ जी से चर्चा की थी, उनको स्पष्ट अवगत करा दिया कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता, ना राज्यसभा लोकसभा में जाना चाहता, ना आपके संगठन का कोई पद चाहता हूँ। मैं अगर पार्टी चाहती है तो मैं बुद्धि से चुनाव लड़ने के लिए शहर तैयार हूँ, लेकिन मुझे पहले बता दिया। आप दीपक जोशी जो कि माननीय कैलाश जोशी जी का पुत्र है, वो अपने कुछ साथियों के साथ, क्योंकि बागली हमारी आदिवासी भाइयों का है, कुछ आदिवासी भाइयों के साथ, कुछ कार्यकर्ताओं के साथ, क्योंकि जोशी जी हमेशा सादगी पसंद रहे हैं, और सादगी पसंद होने के नाते हमने तय किया कि हम कोई लाव लश्कर लेके नहीं जाएंगे। लाव लश्कर को हम दिखावा जब करेंगे तो स्थानों पर करेंगे। स्वरूप जिस बंगले को मैंने छोड़ दिया, उस बंगले से उनकी तस्वीर लेकर मैं पैदल ही अपने कुछ साथियों के साथ माननीय कमलनाथ जी के बंगले तक जाऊँगा, या जो संगठन व्यवस्था देगा वहाँ तक जाकर उस मूर्ति फोटो को उनको समर्पित करूँगा और कहूँगा कि ये जो ईमानदारी है इसको सहेजने का काम अब आपके पास है, आपके जिम्मे है, आप इसको सहेज। शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।